तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्स पर कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ की सॉरी यानी मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनके सैंपल्स ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें नोटिफिकेशन आती है यानी खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें फौरन से अपने स्पेसशिप पर जाना होगा। और वो सब साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि बोटनिस्ट में था अचानक उनसे एक चीज चटकाती है और तो वह वहीं पर रुक जाते हैं, तूफान में कहीं गुम हो जाते हैं। उस तरफ स्पेसशिप में सब साइंटिस्ट उनसे कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और ना उन्हें ढूंढ पाते हैं। और वो सब समझ जाते हैं कि शायद माँ कब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन उधर हम मार्स पर देखते हैं कि माँ कभी ज़िंदा है, उनके पेट में एक रोड चला गया जिसे निकालते हुए उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वे जिस तरह से चलते हुए कैंप तक जाते हैं जो सब साइंटिस्ट ने शेल्टर के लिए यहाँ पर लगाया था, वे वहाँ पर जाकर उस रोड को निकालते हैं, लेकिन काफ़ी परेशान भी होते हैं कि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करेंगे, ना यहाँ पर स्पेसशिप है तो क्या वे सारी ज़िंदगी यहीं पर बिताएंगे। और तो और तूफान की वजह से उनके पास कोई वेपन भी नहीं है। वह जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा यानी जो अगला स्पेसशिप लैंड करेगा वो 4 साल बाद होगा, तो 4 साल का इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा है, यानी इस टाइम पर जो उसके पास खाना है वह काफ़ी नहीं है, वह मर भी सकता है, तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। अब यहाँ पर वह प्लान्स करने लगता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें यूज़ करके वह और भी आलू उगाना चाहता था, और शायद इसलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस प्लैनेट की सॉइल पर। मार्क अपनी डायरी पर कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर सॉइल पर खेती करने लगता है ताकि वह आलुओं को उगा सके। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि मार्स पर पानी बहुत कम था, इवन था ही नहीं, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाते हैं, तो ये तो यहाँ रहने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन मार्क एक बोटनिस्ट में था तो वह जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उसे पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ट्रायल में तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि वहाँ पर उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं जो कि वह वहाँ से इंटेक कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में वह पूरे कैलकुलेशन के बाद वह दोबारा ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना शुरू होने लगता है। अब मार्क कुछ जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर मिट्टी पर उसने वो पौधा उगाया होता है, और कुछ ही दिन में देखते ही देखते वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है, उसे जीने की होप मिलती है। दूसरी तरफ दुनिया में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अभी इस दुनिया में नहीं रहा, इवन उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है, वह मार्क की क्लिप को देखती है तो उसे पता चलता है कि माँ कभी ज़िंदा है, क्योंकि वहाँ पर जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ था वह किसी और जगह शिफ्ट हो चुका, और ये सोलर पैनल्स होते हैं जो कि माँ ने शिफ्ट किया होता है। वह लड़की अपनी सीनियर्स को बताती है और वह भी समझ जाते हैं कि माँ कभी ज़िंदा है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्स पर माँ को बचाने चले भी गए तो हमारे पहुँचने तक तो वो वैसे ही मर जाएगा, और ये बात होती भी सच है। यहाँ पर माँ परेशान होने की वजह कोई तरीके ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए 4 साल चाहिए यानी 50 डेज, और वह 70 डेज पहले ही यहाँ बिता चुका है। तो बैठे रहने से अच्छा है कि ये उस जगह तक पहुंच जाए, लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है और जो कार इसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और ये एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शन रहता है। उस और ज़मीन पर हम देखते हैं कि वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क तक फूड और पानी भेजने के लिए स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मार्स तक पहुंचेगा। लेकिन मार्क तो पहले से ही वहां पर काफ़ी ज़्यादा आलू उगा चुका था, वो आलू निकले कुछ ज़्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था आखिर कब तक वह आलू से ज़िंदा रहेगा, उसे किसी ना किसी तरह कॉन्टैक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर कैमरा होता है, ये एक ऐसा कैमरा होता है जो कि मार्स की पिक्चर दुनिया तक भेज सकता है, और वह वहाँ पर वह 3 बोर्ड्स भी लगाता है। मिडल वाले बोर्ड पर वह लिखता है कैन यू सी मी कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में नो लिखता है और राइट साइड में यस लिखता है। और जब दुनिया वाले ये देखते हैं वो कैमरा यस की तरफ मूव करते हैं तो माँ बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो शुक्र है कि इन लोगों को पता तो है कि
भी मैं जिंदा हूँ। अब यह कोट वर्टिंग में दुनिया वालों में से बात करने लगता है कि यहाँ पर माँ को यह भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है, तो माँ पूछता है कि वो साइंटिस्ट जो उनके साथ में यहाँ पर आया था वो तो अभी भी अर्थ की ओर जा रहे होंगे, क्या आप लोगों ने उनको बताया कि मैं यहीं पर हूँ? तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर आप बता देंगे। जब माँ के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि माँ को वो वहीं पर छोड़ा है। वहाँ मार्स पर हम देखते हैं कि माँ ने जो आलू उगाए थे वहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। माँ काफ़ी दुखी हो जाता है और उसके पास जितने भी आलू बचे थे वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना या पानी पहुँचता वो पहले ही भूख से मर चुका होता। तो वो डिसाइड करता है कि जो खाना वह दिन में खाता था उनसे वह बहुत कम करके खाना होगा ताकि वह जिंदा रह सके। और हम ज़मीन पर नासा को देखते हैं जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें माँ के लिए खाना और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है, वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट कर जाता है, सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब माँ तक कुछ भी नहीं पहुँच पाता। तो वह तो सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और जब माँ को पता चलता है तो वह भी बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। लेकिन वह नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटे अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी सिंसियर था, अगर उसकी जान चली भी गई तो वह उस बात से बहुत खुश है कि उसने इसके लिए एंड तक लड़ाई की और वह फख्र से गया। अब वो लोग नीचे चाइना से मदद मांगते हैं तो चाइना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है वो लोग उसी के ज़रिए माँ को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि उन्हें एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्स की ओर कर दिया जाए और मार्स पर पहले से ही स्पेसशिप मौजूद है उसमें से मार्स के और भी तर्क आए तो बाकी साइंटिस्ट इसे ले लेंगे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा था और तो और उन्हें ऐसा करने में 19 महीने लग सकते हैं थे, यानी अगर वो माँ को लेकर वापस ज़मीन पर आते हैं तो इसलिए चीज़ के लिए नासा मना कर देती है। उधर हम माँ को देखते हैं जो कि मार्स पर बिजी होता है और वह अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता, वह काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है। जब नासा देखती है कि जो स्पेसशिप ज़मीन की तरफ वापस आ रहा होता है वो दोबारा मार्स की ओर जा रहा होता है तो वो काफ़ी हैरान होते हैं कि हमने तो इस चीज़ के ऑर्डर्स नहीं दिए थे। असल बात ये थी कि वही लड़का जिसने ये प्लान एडवाइस किया था उसी ने 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को माँ को बचाना होगा क्योंकि वह तुम लोगों का टीम मेंबर था, और दूसरा कारण अगर हमने कोई तरीका ढूंढा तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग वहाँ पर कुछ महीने में पहुँच सकते हो। तो नासा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन चाइना उनको समझाती है कि ये अच्छी बात है जब माँ की हिम्मत नहीं हार रहा और ये साइंटिस्ट अपनी जान की कुर्बान देते हुए अपने साथियों को बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं कहने वाले। वो उनको फूड भी पहुँचाते हैं। अब चाइना की हेल्प से ये लोग इस मिशन को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उधर माँ को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं लेकिन स्पेसशिप में इतना फील नहीं है कि मार्स के अंदर तक जा सके तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक जाना होगा ताकि वहाँ से वह अपने साथियों को ज्वाइन कर सके। अब वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है लेकिन वो बहुत भारी होता है कि जब तक माँ को उसके कुछ हिस्से बाहर नहीं फेंक देता वह इतने जल्दी ट्रेवल ना कर पाता। अब वह ऐसा करने लगता है, अब माँ को स्पेसशिप से निकल ही पड़ता है लेकिन उसे काफ़ी सफोकेशन हो रही होती है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक नहीं होता और उसे अंडा करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है तो इस वजह से वह बीच में बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी नहीं होता। वह सब काफ़ी परेशान हो जाता है लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसे होश आता है लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड कंट्रोल उसकी बस में नहीं हो रहा होता तो वह परेशान हो जाता है कि उसके
उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। तो वह अपने साथियों से कहता है कि वो परेशान ना हो। मैं उधर हम स्पेसशिप की लेडी कमांडर को देखते हैं जो कि एक मूविंग चेयर से होते हुए एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है, लेकिन रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर मार्क उनसे काफ़ी दूर रह जाता है। वह उनसे कहता है कि मैं स्पेस शूट में एक होल करूँगा। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस शूट में होल बनाता है जिससे स्पेस शूट में हवा जाने लगती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी प्रेशर से वह अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है, और फाइनली वह फीमेल कमांडर तक पहुँच ही जाता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जान बच चुकी थी और वह रेस्क्यूड कर लिया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर कोई मोमेंट होती है, मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से टूट जाता है, लेकिन जल्दी ही कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंक देती है जिससे मार्क पकड़ लेता है। फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अब हम देखते हैं कि वह सब फाइनली दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाए तो खुद को किस तरह से बचा कर रखें, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। तो इसी के साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है।